ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम पालक लिया था, उसको ऐसे साफ कर लिया है धो के, और 300 ग्राम हमने पनीर लिया है। ये घर का बनाया हुआ पनीर है। इसकी रेसिपी आपको अपनी चैनल में मिल जाएगी। दो हमने टमाटर लिए और ये हरी मिर्च लिए, दो तीखी वाली है और ये नॉर्मल है 5। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा तीखा खाते हैं उस तरह से। और ये हमने नमक लिया है, नमक भी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और तेल चाहिए हमको और पानी। तो पहले हम पानी उबालने के लिए रख देंगे। तो हमको पालक को उबालना है तो पहले पानी रख देंगे, गैस चालू करेंगे, इसको उबलने देंगे पानी को। ये पानी अपना गर्म हो गया है तो इसमें हम पालक डाल देंगे। इसको हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे। इसको हम ढक देंगे तो जल्दी हो जाएगा। जब तक ये अपना पालक पक रहा है तब तक हम ये टमाटर है उसको कद्दूकस कर लेते हैं। आपको अगर मिक्सर में करना है प्यूरी तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हम कद्दूकस कर लेंगे इसे। ये टमाटर हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम पालक देख लेते हैं। बस इस तरह खाली उबल जाना चाहिए। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे, इसे एक झारी में निकाल लेंगे इसको। और इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा ये, कि हमको पीसना है इसको मिक्सर में। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये पालक का उबला हुआ जो पानी है इससे आप सूप बना सकते हैं, और हम इसमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें ये डालेंगे पानी। ये जब तक पालक अपनी ठंडी हो रही है तब तक हम ये मिर्ची को पीस लेंगे इसमें। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा तीखा खाते हैं तो मैं थोड़ा तीखा बनाती हूँ, इसलिए मैंने ये 2 तीखी मिर्ची डाली है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पीस लेंगे। ये हमने मिर्ची पीस ली है तो इसको हम निकाल लेंगे। ये मिर्ची हमने पीस के निकाल ली है, अब पालक को पीस लेंगे। इसको हम डाल देंगे इसमें, इसके प्यूरी बना लेंगे।
इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो पालक वाला पानी है उबला हुआ वही डालेंगे हम। इसमें डालेंगे मिर्ची वाले में, तो उसका आ जाएगा इसमें सब टेस्ट। इसको भी हम पीस लेंगे। ये पालक हमने पीस लिया है, इस तरह से जैसे प्यूरी है इस तरह से। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। ये वही कढ़ाई ली है हमने, गैस चालू करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। इसे दो बड़े चम्मच जितना हमको ऑयल डालना है और इसको हम गर्म होने देंगे। ये अपना तेल गर्म हो गया है तो इसमें पहले हम ये जो मिर्ची पीसी थी वो डालेंगे। तेल में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जो हमने कद्दूकस करके रखा था वो। इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे तेल में। ये टमाटर को तेल में इस तरह है सोते करना थोड़ी देर के लिए। अब नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार। गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे और इसमें हम ये पालक की जो प्यूरी बनाई है वो डाल देंगे। सब इसमें डाल देंगे हम। और इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे एकदम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, इसमें डाल के अब थोड़ी देर उसको उबलने देंगे। एक उबाल आ जाएगा तब तक। ये अपनी पालक उबल गई है, गैस हम कम कर देंगे और इसमें हम पनीर डाल देंगे। मेरे लड़के को बहुत पसंद है पालक पनीर, वही सूट कर रहा है। अब इसको ढक देंगे खाली थोड़ी देर के लिए। इसको खाली
थोड़ी देर ही रखना, आधा मिनट। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको नीचे रख देंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। तैयार है अपना पालक पनीर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं कोई भी रेसिपी डालूंगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये पालक पनीर।